इन दिनों बकरीद पर्व की तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। शहर का मंडी मदार टेकरी सहित विभिन्न बाजारों में बकरों की खरीद इन दिनों जोरों पर है। मंडी में एक से बढ़कर एक ऊंची नस्ल और ऊंची कीमत की बकरी यहां पर उपलब्ध हैं। कुदरती चांद तारा सहित इस्लाम में पवित्र माने जाने वाले चिन्ह एक या दो रंगों के बकरों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वहीं बकरा खरीदने लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। लेकिन बकरा खरीदने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मास्क लगाना भी भूल गए हैं, जिससे कोरोना वायरस का अटैक इन पर हो सकता है। इन दिनों रोजाना लगने वाले बकरा मार्केट में यह हाल रोजाना रहता है। यहाँ बकरा खरीदने आए लोग खरीदी में इतना मग्न हो जाते हैं कि शायद वो कोरोना वायरस के कहर को भी भूल जाते हैं। ये नाम सुल्तान जी बताएं, यहाँ पे तो हर साल बहुत भीड़ लगा करती थी, सुबह से लोग आते थे बकरे खरीदने। इस बार लॉकडाउन और कोरोना के चलते क्या लग रहा है आपको, दिक्कत है? नहीं, इस बार बाजार में बहुत दिक्कत है और जो माल आता था उसमें भी बहुत कमी है। बाहर से भी आता था वो भी बंद है और किसान को भी नहीं मिल रहा उतना और ना यहाँ मार्केट में पैसा है। अभी कोई व्यापारी आए आपके पास बकरा लेने? वो यहीं के लोकल आए हैं, कुछ छोटे मोटे व्यापारी, बाकी बड़े स्तर पे जो काम होता था वो अभी सारा बंद है। इस बार काफी नुकसान हो गया। और कौन है? और ये है चाचा, लाइट दे दो। एक सज्जन और जुड़े हैं हमारे साथ। अरे भाईजान बताएं, बकरा मार्केट में इस बार कोरोना के चलते क्या लग रहा है आपको? बकरा मार्केट में बकरा की पोजीशन डाउन है भैया, बहुत डाउन है। कैसे चलेगा आखिर, कुर्बानी तो देते हैं लोग? कुर्बानी हो रही लेकिन उतनी नहीं होगी जैसे पहले होती थी, उस टाइप से नहीं होगी। क्या लग रहा है, रौनक भी कम है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अफसोस तो लग रहा होगा कि जो अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अलग करे। बिल्कुल होना चाहिए, बस तो मालिक से ही दुआ करते कि भैया कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि सेमैया ईद भी ऐसी गई थी और उसके बाद उसी ईद में भी आप लोगों को कहीं कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, तकलीफ है जी। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी कोई गलती कौन है, वो तो कोरोना चल रहा है, उनकी सरकार की कोई गलती कौन है उसमें? ये देखिए, ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार सही कर रही है और हम उस चीज़ का पालन भी करेंगे, तो ये वो लोग हैं जो अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी दुखी हैं कि कहीं ना कहीं इस बार व्यापार में जो है वो कमी आई है और बकरे की उतनी बिक्री या खरीदी नहीं हो पाई। जो बाहर से व्यापारी आते थे वो भी नहीं आ पाए लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते।